तो नए साल के शुरू होने में महज चंद घंटे बाकी हैं। प्रतिबंधों, कर्फ्यू और बंदिशों के कारण आज रात भले ही बिना जश्न के बीत जाएगी, लेकिन अगले दिन यानी शुक्रवार 1 जनवरी की सुबह जयपुर के तमाम लोग राजधानी के तमाम मंदिरों में अलग अलग संकल्पों के साथ कोरोना काल में अपने अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंचे। नए साल का आगाज पुष्प नक्षत्र में होगा जो दिन भर रहेगा। मंदिरों में भी इस बाबत खास तैयारियां कर ली गई हैं। साल 2020 हर इंसान के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बना, लेकिन आज ये साल भी अलविदा कह रहा है। अब बारी है साल 2021 की आपकी जिंदगी में खुशियों के नए रंग भरने की। नए साल में बदलते सितारे आपके लिए अनोखे योग बना रहे हैं। नए साल का पहला दिन ही आपके लिए समृद्धि ला रहा है। नववर्ष 2021 का आगाज पौष कृष्ण द्वितीया शुक्रवार में होगा, जो अगले दिन शुक्रवार को भी रहेगा। ज्योतिषविदों के मुताबिक आज गुरु पुष्य का योग रहेगा और इसके बाद 2021 की शुरुआत भी पुष्य नक्षत्र योग में ही होगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि 95 साल बाद नए साल के पहले दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग खास होगा। ये संयोग विशेष फलदायी, सुख समृद्धि कारक होगा। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में देश की साख भी बढ़ेगी। पुष्य नक्षत्र आज शाम 7:49 से शुक्रवार को रात 8:15 तक रहेगा। ज्योतिषीय गणना के आधार पर ये 2021 का आगाज कन्या लगन से और पुक नक्षत्र में हो रहा है। ज्योतिषीय गणना का आपको विश्लेषण करके बताना चाहते हैं कि यहाँ मंगल और चंद्रमा, शनि, तीन ग्रह स्वराशि में रहेंगे। ये वर्ष 2021 का अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो कुल 5 अंक होता है और 5 अंक बुद्धात्मक होता है। मोती डोंगरी गणेश मंदिर में महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में पंचामृत अभिषेक होगा। चांदपोल के परकोटे वाले गणेश मंदिर में शुक्र पुष्य के मौके पर शुक्रवार सुबह 8:30 से विधिवत अभिषेक के बाद विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। नहर के गणेश जी मंदिर में सुबह 8:30 अभिषेक होगा और शाम को दीपदान किया जाएगा। बंगाली बाबा गणेश मंदिर, श्वेत सिद्ध विनायक गणेश मंदिर, काला गणेश, गढ़ गणेश, ध्वजाधीश गणेश सहित अन्य मंदिरों में भी पूरे विधि विधान से अभिषेक किया जाएगा। गोविंद देव मंदिर में भी भक्त दर्शन कर दिन की शुरुआत कर सकेंगे। लेकिन नए साल के मौके को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और हर जगह कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराई जाएगी। पुक नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्रों का राजा है और पुक नक्षत्र शुक्रवार का दिन और पुक नक्षत्र का ये अंग्रेजी कैलेंडर का दिन शुभारंभ हो रहा है। इसलिए विशेष रूप से अपने माता पिता, बुजुर्गों की सेवा से आपको व्यापार में, घर में समृद्धि देखने को मिलेगी। साल 2021 को लेकर हर इंसान के मन में ढेर सारी आशाएं और सपने हैं। साल 2020 काफी मुश्किलों और चुनौतियों से भरा रहा। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझती रही, लेकिन अब वक्त है साल 2020 को अलविदा कहने का और साल 2021 के आगाज का, जिसमें आपके सितारे भी ग्रह गोचरों के कारण शुभ संयोग बना रहे हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।